अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज और मैं हूँ इकरा शहजाद। नजर डालते हैं दुनिया हेडलाइंस पर। आयन और कानून की बालादस्ती के लिए जंग जारी है। अदालती फैसले के बाद सदर जरदारी का पहला रद्द अमल। वजीर आजम चिट्ठी ना लिखने पर तौहीने अदालत के मुजरिम करार। आर्टिकल 63 के तहत नाहल भी हो सकते हैं। अदालत ने फैसला सुना दिया। एतजाज अहसन कहते हैं कि जानबूझ कर वजीर आजम को अदालती हुक्म के खिलाफ वर्जी का मुर्तकिब करार दिया गया। फैसला आने के बाद कई शहरों में पीपल्स पार्टी का एहतजाज। इस्लामाबाद में कारकुनों का चीफ जस्टिस के घर की जाने बाद सदर जरदारी ने किसी इल्जाम के बगैर 10 साल जेल काटी। फारूक एच नायक का असेंबली में बयान। नवाज शरीफ ने आइंदा इंतखाबात के लिए नया मुत्तफिका वजीर आजम लाने की तजवीज दे दी। इमरान खान ने इस्तीफा ना देने पर सुनामी मार्च का ऐलान। मुल्तान के हल्का पीपी 194 में जिमनी इलेक्शन। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोइन कुरैशी पहले नंबर पर। इजाफे पेट्रोलियम ने ओग्रा को सीएनजी की कीमत पेट्रोल के 65% तक करने के अहकाम जारी कर दिए। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल ने एक बार फिर रेलवे सप्लाई बहाली पर पेशावर से कराची तक लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया। कराची में 4 मुबैना टारगेट किलर्स गिरफ्तार। डकैती और भत्ताखोरी की वारदातों में भी मुलव्वस हैं। गुजरावाला में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब में स्टेज पर चढ़ने की कोशिश करने वाले नौजवान पर पुलिस का वैशियाना तशद्दुद। उर्दन के वजीर आजम शौकत अल खसावर ने इस्तीफा दे दिया। लाहौर के सफारी पार्क में 4 रोज कबल जन्म लेने वाले शेर के 2 बच्चे मुनासिब देखभाल न होने से हलाक हो गए। और मुल्तान में बारिश से मौसम खुशगवार। कोयटा में बादल बरसने पर शहरियों के चेहरे खिल उठे।